वेलकम टू ड्रीम केबीसी जिक्के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपके स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नंबर भी रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसके चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आप आखिर में ईमानदारी से अपना खुद का टेस्ट दे सकते हो, आपके पास कितना जवाहरलाल नेहरू के बारे में नॉलेज है आप हमें बता सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 नवंबर 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है इलाहाबाद। तो 14 नवंबर 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो उनको पंडित क्यों कहा जाता है, उनका जवाहरलाल नेहरू उनका नाम है तो पंडित वो काश्मीरी ब्राह्मण थे इसलिए उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो जो जीवन उनके जीवन संगीत, उनकी पत्नी कौन थी, कमला कौल, तो कमला कौल के साथ 7 फरवरी 1916 में उनका विवाह हुआ था। तो उनके एकमात्र संतान थी इंदिरा गांधी, उनका इंदिरा प्रियदर्शनी, उनका नाम प्रियदर्शनी था। तो उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू जो एक जाने माने उद्योगपति थे, उनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। उनकी बहन, दो बहन थी, कृष्णा अथे सिंह और विजया लक्ष्मी पंडित, और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी 74 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 2, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को। तो हाल ही में 14 नवंबर को उनका जन्मदिन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, विजया लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कॉलेज की शिक्षा कहां पूरी की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। तो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी, प्राप्त की थी। तो याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉ की डिग्री कहाँ प्राप्त की थी, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी, पूरी की थी। और 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1916 के किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी से हुई थी? तो किस अधिवेशन में वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनऊ। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और लाल किले पर पहला झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और लाल किले पर पहला झंडा फहराने वाले व्यक्ति थे, नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू को भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब चुने गए थे? दो बार चुने गए थे, कब चुने गए थे? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में किस आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 तक सक्रिय हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ जुड़कर रोलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था?
क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के साथ जुड़कर रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी 1924, वर्ष 1924 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 1930 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा कहां फहराया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी लाहौर, तो लाहौर में 26 जनवरी 1930 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की थी? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी जोसेफ बोरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर, जोसेफ बोरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जोसेफ बोरोज टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित सर्वप्रथम साहित्य रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो उनको उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शन के लिए लिखे थे। ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये पुस्तक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है और ये उन्होंने 1928 में जब वो नैनीताल जेल में थे तब ये उन्होंने ये पत्र लिखे थे, जो कभी भेजे नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुई थी? इस क्वेश्चन का सही 1936 में प्रकाशित हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास में के दिनों में लिखा था, कौन सा पुस्तक लिखा था इसमें से? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। और 1933 से 1934 में भी जो मेरी कहानी जो अन ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो भी अहमदनगर जेल में ही लिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी शांतिवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम। आपको बता दूं, सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में जेल में गए थे। ऐसे वो अपनी पूरी जिंदगी में 9 बार जेल जा चुके थे, उनके जिंदगी के 9 साल उन्होंने जेल में काटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 18, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जिसको JNU कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन का सही तो ऑप्शन बी 1969 में एक स्थापना की गई थी, जो 2012 में सर्वश्रेष्ठ भारत की सबसे विश्वविद्यालय बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1989 में स्थापित जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था 1989 में? इस क्वेश्चन का तो बोकारो स्टील प्लांट में स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है हमारा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।